हम भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले विगत 75 वर्षों से हमारा देश तकनीकी में, सैन्य में, विज्ञान में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, परंतु आज भी अगर वो पीछे खड़ा है तो अपने मानसिकता के नाते पिछले 75 वर्षों से रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही है। आज भी हम पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। मैं उन धर्म के ठेकेदारों के प्रति चोट करना चाहूंगा। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खाली निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये हम सबका वतन है, बचा लो इसे, ये हम सबका वतन है, बचा लो इसे। बनाने की जरूरत है जिसकी मिसाल दी जाए देश दुनिया में। रात इंदौर शाम की एक प्रसिद्ध कविता को मैं बोलना चाहूंगा। अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, अरे मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, अरे मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। शहीदों के प्रति जो मेरा सम्मान है, समय कम पड़ जाएगा लेकिन शब्द कम नहीं पड़ेंगे। ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा, ये आत्मविश्वास कम नहीं पड़ना चाहिए। खड़े उन सभी वीर शहीदों को मैं सत्सर नमन करता हूँ। उन माताओं के प्रति मैं चंद पंक्तियां बोलना चाहूंगा। गौर फरमाइएगा, मौत की मंडियों में बढ़ बढ़ की बोलियां दी है, अरे जब भी मांगी है वतन ने कुर्बानियां, माओ ने हर भर की झोलियां दी है। महान क्रांतिकारियों ने, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, महात्मा गांधी हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हो, बहुत सारे कुल नाम है, सूचियां कम पड़ जाएंगी। उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, उनका एक सपना था, एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसके राग विदेशों में गाए जाए। आने वाले पीढ़ी को भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना है, आने वाली पीढ़ी को आतंकवाद मुक्त भारत, महिला सशक्तिकरण वाला भारत देना है, एक ऐसा भारत तोहफे में देना है जो गर्व से कह सके, हाँ हूँ मैं हिंदुस्तानी, मुझे गौरव है, मुझे सम्मान है, मैं हूँ हिंदुस्तानी। अब मैं चंद पंक्तियों में के माध्यम से मैं अपने बातों में विराम देना चाहूंगा। कुछ नशा है इस तरह की आन का, कुछ नशा है इस तरह की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की मान का। हम लहराएंगे हर जन्म ये तिरंगा, क्योंकि कुछ नशा है ये हिंदुस्तान के शान का।